बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन शुगर। शुगर बहुत ही मज़ेदार बनता है और खट्टा खट्टा होता है। खट्टा इसलिए होता है कि ये कच्ची इमली के पत्ते पत्ते होते हैं, जो जब कच्ची इमली निकलना शुरू होती है तब ये पत्ते भी आते हैं। इसे पत्ते तोड़कर मार्केट में लाया जाता है। ये सिर्फ समर स्पेशल है, समर में ही मिलती है, हर एक को बहुत पसंद होती है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है मटन में और बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी बनती है, बट ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और जॉइंट पेन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ में शिफा रखी है। चलिए हम सीजनल हर वो चीज़ खाएंगे जो अल्लाह ताला ने हमें दिए रखी है। चलिए हम बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से मैंने सारा शुगर को साफ़ कर लिया है और साफ़ करके इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके मैंने कुकर में डाला है। फिर यहाँ मैं 2 गिलास पानी डालकर इसे अच्छे से गला लूँगी। इस तरह से हमें गला लेना होता है। चलिए यहाँ मैं कुकर का ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से प्रेशर कुक कर लूंगी। इस तरह से हमें गला लेना होता है। देखिए भाजी यहाँ गलने लगी, बहुत अच्छे से शुगर गल चुकी। किस तरह से कलर आया देखिए, इसका कलर ऐसा ही होता है, पानी का कलर देखिए आप। ये खट्टा खट्टा पानी है ये, क्योंकि इमली के पत्ते है ये, इसलिए ये पानी में सारा खट्टापन है। और ये खट्टी भाजी बहुत मज़ेदार बनती है। इस तरह से हमें घोट लेना है। हमें गलाने के बाद ये लकड़ी के चम्मच से हमें इस तरह से घोट लेना है अच्छे से। बहुत ज़्यादा पत्तों को सॉफ्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो मटन लिया है, आधा किलो शुगर के लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है, 500 ग्राम्स मटन लिया है। यहाँ मैं 3 बड़े साइज़ की ऑनियन लूँगी और यहाँ डालेंगे टर्मरिक 1 टीस्पून। अच्छा कलर देने के लिए हमें थोड़ी हल्दी ज़्यादा ही डालना है, 1/4 टीस्पून नहीं डालना है। यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक डाला है 1 टीस्पून भर के, और इसमें जाएगा रेड चिल्ली। रेड चिल्ली मैंने 3 टीस्पून लिया है, क्योंकि ये खट्टी होती है इसमें, इसलिए ज़्यादा थोड़ा फीका ही जाता है। फिर यहाँ मैंने 1 कप भर के डाला है ऑयल, बस इतना ही डालना है, हमें कुछ और ऐड नहीं करना है। इसे एक अच्छा थोड़ा सा पकने के लिए हम रख देते हैं। देखिए यहाँ पकने लगा है मटन, और बस हमें प्याज को अच्छे से भूनना है, प्याज को गला लेना है। बस इस तरह से हम प्याज को गला लेंगे। मटन तो बहुत अच्छे से गल गया है, इस तरह से हम भूनेंगे, प्याज का बहुत अच्छा मसाला रेडी करेंगे। देखिए प्याज भी बहुत अच्छे से गल गई, कितना अच्छा मसाला रेडी हो गया। बहुत सिंपल सी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। इस तरह से हमें मसाला बनाना है। ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। इस तरह से हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को। चलिए अभी मैं यहाँ इसे नमक ऐड करूँगी। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक डालूँगी। फिर उसके बाद शुगर डालना होता है। इसमें कुछ भी ऐड करना नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत हेल्दी रेसिपी है ये, बहुत हेल्दी फूड है। देखिए यहाँ मैंने जो पेस्ट बना कर रखा था शुगर का, जो घोट के रखा था, इस तरह से हम मटन भूनने के बाद, अपना गोश्त भुने जाने के बाद में ये सारा शुगर इसमें ऐड करूँगी। ऐड करके इसे पकने के लिए रखूँगी। यहाँ मैंने 8 से 10 मिनट इसे पकने के लिए रखा है फुल फ्लेम पर। देखिए जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगा, तब हमें समझना है कि बहुत अच्छे से ये पक गया है सालन, बहुत अच्छे से शुगर मिक्स हो गया, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तब मैंने यहाँ पर हरे मिर्ची और हरा धनिया ऐड किया है। देखिए यहाँ मैंने 8 से 10 मिनट इसे अच्छे से पकने के लिए रख दिया था, ऑयल भी सेपरेट हो गया। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, खट्टी खट्टी शुगर बन के रेडी हुई है। मटन शुगर बहुत ही स्पेशल है, ये बहुत पसंद किया जाता है, यहाँ तो शुगर के नाम से जाना जाता है।
कमेंट में बताइए कि आप लोग इसे क्या कहते हैं, ये बनती है या आप लोगों के पास नहीं बनती है। हमें सीजनल हर वो चीज़ खाना चाहिए जो अल्लाह पाक ने दे रखी है। ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होती है। देखिए इस तरह से हमें बना लेना है, बहुत जल्दी बहुत मज़ेदार। सिर्फ हमें गोश्त और मटन और हमें चुगर को ही गलाना होता है, बाकी तो बस इसे मिक्स करना होता है। देखिए यहाँ 8 से 10 मिनट में चुगर बन के रेडी है। मैं इसे सर्व करूँगी, इस तरह से हम सर्व कर लेंगे। सारा ऑयल भी कितना अच्छा लग रहा है ना, कलर वाला एकदम से। इसे राइस के साथ खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है राइस के साथ। समर में इसे बहुत शौक से खाया जाता है, बहुत मज़ेदार बहुत लाजवाब रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरह से बहुत ही सिंपल है, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत मज़ेदार। समर में हर घर में बनाई जाती है ये चुगर की रेसिपी। देखिए इस तरह से हमें ग्रेवी बनाना है, खट्टी खट्टी और थीकी थीकी, बहुत अच्छी स्पाइसी, बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग बनाते हैं या ना बनाते हैं, आप लोगों के पास मिलती है या नहीं मिलती है। और चलिए दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते रहूँगी न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, वीडियो को स्किप करके ना देखिए, वीडियो को फुल वॉच किया करें। चलिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।